नमस्कार प्रणाम। हो गई आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता जीविका रसोईया के मानदेय को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नहीं हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, उत्तर प्रदेश की आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता जीविका रसोईया ANM GNM से जुड़ी जो भी खबर आएंगी सबसे पहले आप सभी कर्मचारियों को देखने और सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को, जिनके मानदेय में बढ़ोतरी का आगाज हो चुका है। इन सभी कर्मचारियों के मानदेय में 4 गुना की वृद्धि का ऐलान हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के मानदेय में 4 गुना वृद्धि का ऐलान हो चुका है और इसमें केंद्र सरकार की भी सहभागिता जताई गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के आप सभी कर्मचारियों को मानदेय में वृद्धि का ऐलान किए हैं। अब सभी कर्मचारियों को एक सम्मानजनक वेतन मिलेगा। जैसा कि पहले मैंने बताया था, उत्तर प्रदेश की आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता जीविका रसोईया, इन सभी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि होने वाली है। पूर्णतः आप सभी के मानदेय में वृद्धि हो चुकी है और 2 अक्टूबर से आप सभी कर्मचारियों को लिखित रूप से नोटिस जारी हो जाएगा, जिसमें आप सभी को स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि कितना मानदेय बढ़ाया गया है। अभी जो आप लोगों को मानदेय बढ़ाई गई है, सुनने में आई है खबरों के मुताबिक, आंगनबाड़ी है तो आपको मिलेंगे 25,000 रुपये के साथ प्रोत्साहन राशि, आशाकर्मी हैं तो 28,000 रुपये के साथ प्रोत्साहन राशि, रसोइयाँ हैं तो 12,000 रुपये प्लस प्रोत्साहन राशि, ममता जीविका रसोइयाँ इन सभी की जो है एक बराबर मानदेय मिलेगी। साथ ही साथ ANM और GNM के कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का ऐलान हो चुका है और यह प्रोत्साहन राशि आपको 1 साल में 2 बार दी जाएगी।